बहुत ज्यादा लैग डे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम एसएसजी मोबाइल। सो गाइस, क्या हालचाल? एकदम मजे में फिट फाट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास मौजूद है टेक्नो कैमन 20 डिवाइस की लुक एब्सोल्युटली नो डाउट काफी ज्यादा प्यारी है, काफी ऑसम एंड यूनिक किस्म की लुक आपको यहां पे प्रोवाइड की गई है। पर अब खाली लुक तो नहीं हमने कुछ भी लेनी भाई, इस डिवाइस में भी हमें कुछ प्रोवाइड किया गया है या नहीं, में गेमिंग रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि आजकल जो डिवाइसेस हैं वो भाई मिडिल क्लास बंदा तो कम ही लेता है, उसके अलावा जो न्यू बंदा है वो ही लेता है, वो भी इस वजह से या तो डिवाइस की लुक अच्छी हो, कैमरा अच्छा हो, प्लस गेमिंग उसमें मस्ट होनी चाहिए भाई। 40,000 रुपए में आपको गेमिंग लाजमी से चाहिए। अब इसकी जो यूज की मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो अब यूज में जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो आपको 38 से लेकर 42-43 के मिड में इजीली आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा प्राइस डाउन कर दी गई है, आपको कंप्लीट वारंटीज़ में भी इतने का मिल जाएगा, नहीं तो ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ की वारंटी पड़ी हुई है, तकरीबन इतनी वारंटी में आपको डिवाइस देखने को मिल जाएगी। बहरहाल ओवरऑल चीज़ें एक साइड पर रखते हैं, एमोलेड डिस्प्ले में हमें प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इस डिवाइस में आज करने वाले हैं इसका पबजी टेस्ट, इसमें पबजी प्ले करके देखते हैं कि पबजी के हिसाब से इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, क्या ये डिवाइस गेमिंग के लिए लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के रिव्यू को। तो यहाँ पर जो है पबजी, इसमें मैं प्ले करता हूँ, पबजी के ग्राफिक वगैरह देखते हैं कितने सपोर्ट करता है, FPS कितने सपोर्ट करता है और ये बैटरी कितनी ड्रेन टेस्ट करता है। बहरहाल एक चीज़ का बेनिफिट तो भाई इसमें लाजमी है कि ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो उम्मीद है कि कलर ग्राफिक जो कलर स्कीम्स होंगी वो काफ़ी अच्छी इसमें प्रोवाइड की गई होगी। बहरहाल फिर भी ऑन हो जाए तो हम इसे चेक करते हैं। वो काफ़ी टाइम के वेट के बाद, एक स्टक के बाद तो फाइनली गेम ऑन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इसके ग्राफिक दिखाता हूँ। स्मूथ के साथ अल्ट्रा की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, HD के साथ हाई की अपलोड देखने मिलती है, HDR का ऑप्शन में नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा के इसके ग्राफिक यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। और जैसा कि आपको पता है मैं भाई TDM में ही तकरीबन टेस्ट करता हूँ, तो 80-90% परफॉर्मेंस जो डिवाइस की है वो TDM में ही हमें पता चल जाती है। तो एक TDM का मैच लगाते हैं, TDM में इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर जो है सारी सेटिंग करने के बाद भाई इसका जायरो ऑन करके देखा है, तो जायरो तो इसका नाम के ही है, बहुत ही ज़्यादा डिले इसके जायरो में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, अच्छा खासा डिले, कह लें कि ना होने के बराबर इसका जो जायरो वर्क करता है। तो अभी थोड़ी स्पिन सेटिंग ये वो करने वाली भी है, तो वो भी सारी सेटिंग करके गेम को हम स्टार्ट करते हैं। इसी एक जगह पर ऑटो मूवमेंट स्क्रीन करती रहती है, तो ये ग्लेशियर ग्लेशियर वाले प्लेयर आ गए हैं यहाँ पे, स्क्रीन बहुत ज़्यादा ना इसकी ऑटो रोटेट करती रहती है अपने आप ही, और विदाउट जायरो भी परफॉर्मेंस जीरो ही देती है डिवाइस है ना। स्क्रीन की मूवमेंट इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, एम नहीं बिठाता अगले बंदे के लिए, स्क्रीन हिलती रहती है बहुत ज़्यादा। ये देखें स्क्रीन इसकी मूवमेंट देती ही नहीं है, स्टक हो जाती है एक जगह पर ना, देखिए लैग देखें कितना ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिला है डिवाइस में हमें। ये देखें ये भाई अभी तो TDM खेल रहे हैं तो इतना लैग हो रही है, ये आगे जाके क्या करेगा जब आप क्लासिक के लिए भी इसमें चलेंगे। एक होता है ना कि हल्का फुल्का गुजारा, ये गुजारे वाली डिवाइसेस भी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं भाई आपका 50-40-50 हज़ार रुपया ज़ाया है इसको लेके, पबजी इसमें ना होने के बराबर है, इतनी ज़्यादा लैग होती है डिवाइस पागल हो जाती लैग होकर, डिवाइस लैग होकर पागल हो जाती है। ये देखें स्क्रीन की रोटेशन ही पागल हो जाता है, एक तो बंदा विदाउट जायरो वाला प्लेयर इस पे जब खेलेगा तो वैसे ही पागल हो जाता है, उसके अलावा इसकी मूवमेंट ही ऐसी हो जाती है कि कंट्रोल ही नहीं हो जाता डिवाइस का, पता नहीं होता डिवाइस को मैंने किस जगह पे जाना है, टच ही आपको इसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता। ये पीछे से आ गया साला, बुलेट की डायरेक्शन ही नहीं सीधी इसकी, बुलेट की डायरेक्शन ही इसकी सीधी नहीं है, तो बाकी क्या करना है इसने। ये
ये देखे इतना मारने के बाद भी उसको डैमेज नहीं रिकॉर्ड भाई, वो देखे वो पीछे लेट गया बंदा, जितनी उसको मार पड़ गई थी ना, इसकी बुलेट की जो डायरेक्शन है वही सीधी नहीं जाती, टच इतना पागल हो जाता है इस डिवाइस का। तो पबजी लवर्स के लिए तो स्पेशली ये डिवाइस नहीं यहाँ पे बनाई गई भाई, ये तो वही ले जिनको कीड़ा होता है बड़े बड़े कैमरों का। बड़े बड़े कैमरे देखने या लुक देखने सिर्फ उन लोगों के लिए डिवाइस है, पबजी लवर के लिए ये डिवाइस नहीं बनाई गई। बहुत ही ज्यादा भाई घटिया किसी की परफॉर्मेंस पबजी किसने हमें प्रोवाइड की है। अपग्रेडेड लॉबी थी, सारे अच्छे खेलने वाले आए होते, गेम प्ले भी खेले हमने, किसी किस्म की इसमें हमें कोई 1% भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की यहाँ पे इसने परफॉर्मेंस प्रोवाइड की है। पबजी के लिए तो स्पेशली ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं। अगर पबजी के लिए एडवाइस भी, आप पैसे वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वेस्ट कर सकते हैं भाई, आपके पैसे हैं आप वेस्ट करते हैं, मेरा काम है आपको आगाह करना। तो बहरहाल ये थी हमारा आज का रिव्यू और ये था हमारा आज का पबजी टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट आपका क्या ओपिनियन आपने रखना है वो भी आपको पता होगा। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।